दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई हमारे मन को बहुत दुख पहुंचाता है, बहुत तकलीफ देता है। ऐसे में तब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उसे बदला लेना चाहिए? इसी बात को जानने के लिए आइए सुनते हैं महात्मा बुद्ध की एक सच्ची कहानी। एक समय महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। एक दिन एक शिकारी उसी रास्ते से गुजरा। शिकारी ने महात्मा बुद्ध को तुरंत पहचान लिया। शिकारी ने बुद्ध की बहुत प्रशंसा सुनी थी। उसने सुना था कि बुद्ध को कोई कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे, कितनी भी पीड़ा क्यों ना दे, बुद्ध सबको क्षमा कर देते हैं। परंतु शिकारी को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए उसने महात्मा बुद्ध की परीक्षा लेने की सोची। शिकारी ने एक पत्थर उठाकर बुद्ध पर फेंका, परंतु बुद्ध उसी प्रकार शांत अपनी तपस्या में लीन रहे। क्योंकि बुद्ध का मानना था कि तकलीफ तो शरीर को होती है, आत्मा को नहीं, इसलिए शिकारी द्वारा फेंके हुए पत्थर के कारण बुद्ध के शरीर को कष्ट जरूर हुआ, उनकी आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय तक सोचता रहा कि बुद्ध उसे कुछ बुरा भला कहेंगे, परंतु इसके विपरीत बुद्ध तो उसी प्रकार तपस्या में लीन और शांत रहे। अब तो शिकारी ने फिर एक पत्थर उठाया और इस बार और अधिक जोर से उसने बुद्ध पर इस पत्थर को फेंका। वह पत्थर बुद्ध की आंख पर लगा और आंख के नीचे से रक्त बहने लगा। अब महात्मा बुद्ध को यह आभास हुआ कि उनके शरीर में पीड़ा हो रही है और रक्त बह रहा है, परंतु इतना कुछ होने पर भी बुद्ध शांत उसी तरह तपस्या में लीन रहे। महात्मा बुद्ध को शांत देखकर शिकारी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और इस बार उसने एक बड़ा सा पत्थर महात्मा बुद्ध पर फेंका। अब तो बुद्ध के शरीर से और अधिक खून बहने लगा, परंतु बुद्ध अभी भी शांत थे। लेकिन अत्यधिक पीड़ा होने के कारण बुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। तब शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, मैंने आपको इतने पत्थर मारे, इतनी तकलीफ दी, तब भी आप इतने शांत क्यों रहे? बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे पत्थरों से मेरे शरीर को कष्ट पहुंचा है, आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समझा नहीं तो बुद्ध ने शिकारी को प्रेम से समझाया, सुनो पुत्र, तुम एक आत्मा हो और मैं भी एक आत्मा हूं, जो इस संसार में अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। इस जन्म में अपना अपना किरदार निभाकर हम दोनों ही इस शरीर को छोड़ इस संसार से एक दिन चले जाएंगे। उसके पश्चात हमारी आत्मा एक नया शरीर धारण करेगी। उस शरीर में फिर वह अपना दूसरा किरदार निभाएगी। इस प्रकार हर बार आत्मा एक नए शरीर में एक अलग किरदार निभाएगी। इस सत्य को मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं केवल एक आत्मा हूँ, जो एक दिन अपना किरदार निभाकर परमात्मा में लीन हो जाएगी। यहाँ के संबंध, रिश्ते, नाते सभी मिथ्या है और इसी कारण किसी का दिया हुआ कष्ट या पीड़ा मैं अपनी आत्मा पर नहीं लेता। बुद्ध की यह बात सुनकर शिकारी आश्चर्यचकित हो गया। उसने फिर पूछा, हे महात्मन, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए पुत्र के समान हो। पुत्र अपने माता पिता के साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, परंतु माता पिता तो सदा ही अपने पुत्र का भला चाहते हैं। तुम्हारे हाथों आज एक बहुत बड़ा पाप हुआ है और उस पाप की ईश्वर तुम्हें क्या सजा देंगे, यह सोचकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसलिए हे पुत्र, इन पाप कर्मों को छोड़कर तुम अच्छाई का रास्ता अपनाओ, दूसरों को सुख पहुंचाकर अच्छे कर्म करो, क्योंकि मृत्यु के पश्चात केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बुद्ध से क्षमा याचना मांगने लगा। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत ही उसे क्षमा कर अपना आशीर्वाद दिया और वह शिकारी बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि यदि आपको कोई दुख पहुंचाता है तो आप शांत रहिए, चुप रहिए। आपके शांत रहने से धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। एक पुरानी कहावत है, एक चुप सौ सुख। यदि आप भी उनसे बदला लेने की सोचेंगे तो दिन रात आप ही इस बदले की आग में जलते रहेंगे। ये
इससे सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा पीड़ा आपको ही होगी। इसलिए उनकी बातों को आप इग्नोर कर दीजिए। बुध की तरह अपनी तपस्या में अर्थात अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज में व्यस्त रखिए। इससे आप रिलैक्स फील करेंगे और धीरे धीरे आपकी तकलीफ भी कम होने लगेगी। यदि सचमुच उसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इसकी सजा ईश्वर उसे देंगे। आपको किसी को सजा देने का कोई हक नहीं है। याद रखिए, उसके कर्म उसका भाग्य बना रहे हैं और आपके कर्म आपका भाग्य बनाएंगे। इसलिए उसके साथ बुरा करके आप अपने कर्मों को खराब मत कीजिए। आप केवल एक ही बात ध्यान रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने कर्म अच्छे ही करने हैं। इसलिए उन्हें क्षमा कीजिए, इग्नोर कीजिए, शांत रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो घंटी का साइन है उसे भी आप जरूर दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। धन्यवाद। जय माता दी।